बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज एक वैकन का न्यू प्रोडक्ट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे पास जो PLC है ये है LX5V1616MT। नॉर्मली हमारे पास जो पहले PLC यूज़ होती हैं वो LX3 भी होती हैं, लेकिन ये जो है ये वैकन का एक लेटेस्ट मॉडल है LX5V। तो इसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स और काफ़ी सारे अच्छे चीज़ें जो हैं जो हम LX3V के अंदर हमें नहीं मिल पाती, वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसके अंदर सबसे एक अच्छा जो फीचर है, अगर हमने मोर देन 2 इनकोडर्स जो हैं वो लगाने हैं तो उस पर्पज़ के लिए हमें LX5V की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 से ज़्यादा इनकोडर्स जो हैं हम इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हमने आज वैकन के साथ करवाई है मॉडबस कम्युनिकेशन। तो हम आपको बताएंगे कि आज जो है वो मॉडबस कम्युनिकेशन इन्वर्टर के साथ इसकी कैसे होती है। और ये इसके ऊपर हमने एक मॉड्यूल लगाया हुआ है, टेम्परेचर का मॉड्यूल है LX3V2TC2DAI। तो ये जो है इसके ऊपर हमने इसको बेसिकली BD कार्ड कहते हैं, इसके थ्रू हम इसका जो टेम्परेचर है थर्मोकपल लगा कर टेम्परेचर भी रीड कर सकते हैं। तो ये 2TC 2 थर्मोकपल को रीड करने के लिए कार्ड है। बेसिकली इसे आज हमने जो एप्लीकेशन आपको दिखानी है वो ये है, हमने इसके साथ आज मॉडबस चलाई है। इसके अंदर 2 तरह की कॉम पोर्ट्स हैं, ये देखें जिस तरह नज़र आ रहा है, COM1 और COM2। तो COM2 के ऊपर हमने एक VFD लगाया हुआ है, VFD है हमारे पास INBT ब्रांड का, ये जी हमारे पास INBT ब्रांड का। और वायरिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये देखें जी 2 वायर्स हमने लगाई हैं COM2 से, और VFD का जो पॉइंट है वो RS485 का है। पॉजिटिव जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है PLC पर, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो प्रोग्राम राइट किया है। सबसे पहले मैं जो है वो आपको रन करके दिखाता हूँ VFD को, फॉरवर्ड और रिवर्स, और आपको ये चलता हुआ नज़र आएगा। इसके ऊपर इंडिकेशंस जो हैं ये लगी हुई, ये इंडिकेशंस रन होंगी और आपको फ्रीक्वेंसी चलती हुई नज़र आएगी इसकी। तो पहले इसको फॉरवर्ड चला के देख लेते हैं, फिर रिवर्स, फिर स्टॉप की कमांड देंगे। इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी व्यूअर, सबसे पहले हम VFD जो है इसको फॉरवर्ड की कमांड देंगे। तो आप देखिएगा कि हमारा जो VFD है वो फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगा। तो हमने इसे सबसे पहले फॉरवर्ड की कमांड दी है, देखें जी फ्रीक्वेंसी चलना शुरू हो गई है, और जो रन इंडिकेशन है और फॉरवर्ड ये दोनों ऑन हो चुकी हैं। ये फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको ऊपर जाती नज़र आ रही है, ये देखिए 25, 26, 27। अभी मैं अगर इसी VFD को यहाँ पे स्टॉप की कमांड दे देता हूँ तो हमारा जो VFD है वो स्टॉप हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने VFD को स्टॉप की कमांड दी है तो हमारा VFD जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नीचे आना शुरू हो गई है। और थोड़ी देर बाद देखेंगे आप ये VFD जो है वो स्टॉप हो गया, दिखाते हैं जी। तो ये देखें जी, ये हमारा PLC का प्रोग्राम है और इसका जो सॉफ्टवेयर है ये है वैकन PLC एडिटर 2, ठीक है जी। LX5V के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसका नाम है वैकन PLC एडिटर 2। तो ये हमने इसका प्रोग्राम यहाँ पर राइट किया हुआ है, ठीक है जी। तो अभी क्या करता हूँ मैं आपको VFD दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें जी, VFD के ऊपर फ्रीक्वेंसी 0 है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे डाटा रजिस्टर के अंदर, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप जाना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिएगा जी, ये D315 डाटा रजिस्टर है, इसके अंदर मैं सेट करता हूँ जी एक वैल्यू, आगे मैंने इसको स्केल किया हुआ है तो ये 25 Hz हो गई है, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं इस वैल्यू को दोबारा चेंज करता हूँ तो आप देखिएगा कि जो VFD की फ्रीक्वेंसी है वो अगेन चेंज हो जाएगी। ये देखें जी 50 Hz हो गई है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे ही मैंने वैल्यू यहाँ से चेंज की है। तो उसके बाद हम जो है वो आपको स्विचिंग करके इसकी दिखाते हैं कि स्विचिंग जब करते हैं तो तब क्या इम्पैक्ट आता है इसके ऊपर। तो अभी मैं आपको पहले प्रोग्राम दिखाता हूँ जी, ये देखें जी, ये हमारा प्रोग्राम है, स्विचिंग का प्रोग्राम है जी। ये देखें जी, मैं सबसे पहले इसको फॉरवर्ड करने लगा हूँ जी। तो मेरा VFD जो है ये देखें जी फॉरवर्ड चल गया और इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है वो अप जाना शुरू हो गया। अभी मैं इसको जो है वो स्टॉप की कमांड देता हूँ तो आप देखेंगे कि VFD जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ये देखें जी, VFD स्टॉप होना शुरू हो गया।
अभी मैं अगर VFD को रिवर्स की कमांड देता हूँ तो क्या होगा कि हमारा VFD जो है अब रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा। मेरी कमांड मैंने दे रखी थी VFC की फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हुई और उसके बाद दोबारा जो है ये रिवर्स चलना शुरू हो गया। और अगर मैं इधर ही इसे स्टॉप की कमांड दे दूँगा तो हमारा जो VFD है वो स्टॉप हो जाएगा। ये देखें जी VFD जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी नीचे जाना शुरू हो गई है क्योंकि हमने इसे स्टॉप की कमांड दे दी है। ये जी हमारा प्रोग्राम का ओवरव्यू है। ये कुछ डेटा रजिस्टर्स मैंने लगाए हैं, इनके थ्रू वैल्यू मूव करवा के हम VFD को जो है वो फॉरवर्ड रिवर्स और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कंट्रोल करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको लर्निंग भी होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।